खेल कसने की बात कही जाती है, लेकिन हर दिन सामने आ रही घटनाओं से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। महाडिबेट आज इसी पर होगी, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं कि क्या कुछ सवाल रहने जा रहे हैं आज की महाडिबेट के। पहला सवाल रहेगा घटना पर घटना, पुलिस आखिरकार क्यों बेबस साबित हो रही है, खाकी का खौफ क्यों नहीं है बदमाशों पर, बढ़ते अपराधों पर आखिरकार कब नकेल लगाई जाएगी, सख्ती की बात कही जा रही है लेकिन फिर भी बेलगाम है अपराधी आखिरकार क्यों, इन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वो चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी देंगे, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं पंकज चतुर्वेदी जी, संतोष गौतम जी है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धनंजय प्रताप सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ मानवी तरेजा जी जुड़ रही हैं जो मॉडल हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत में आपसे ही कर रही हूँ, पिछले शुक्रवार को हम उज्जैन की घटना पर जुड़े थे और उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि हर बार घटना होती है, हर बार हम सवाल पूछ रहे हैं और हर बार हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन फिर नई घटना, फिर नया सवाल, फिर आश्वासन। सरकार की सख्ती है तो क्यों नहीं पुलिस लगाम लगा पा रही ऐसी घटनाओं पर या अपराधियों पर? देखिए अपर्णा जी, पुलिस काम करती कानून के दायरे में, और मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी कोशिश करती है कि जो कानून की परिधि, उस परिधि के भीतर काम हो। निश्चित तौर पर जो इंदौर का घटनाक्रम है, जिनके साथ भी हुआ, पूरी संवेदना हमारी उनके साथ है, दुखद है घटनाक्रम, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कार्रवाई त्वरित है, 6 के 6 आरोपियों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, 2 आरोपी अरेस्ट हैं और उनके साथ, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के विषयों को लेकर कोई भी यदि अपराधी तत्व यदि मन में सोचेगा भी तो भयभीत उठेगा। इसीलिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने दुष्कर्म के विषय में फांसी की सजा या कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान बनाने का निर्णय आज से वर्षों पहले लिया था, और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में इस प्रकार के विषयों को लेकर वैसी स्थिति नहीं जैसी देश के अन्य राज्यों में। मैं कांग्रेस को की आपत्तियों पर आपत्ति नहीं ले रहा, उनको अधिकार है बात उठाने का, लेकिन ये विषय राजनीति के विषय संभवतः नहीं होते। यदि कांग्रेस पार्टी अपर्णा जी राजनीति की बात करती है तो फिर कलकत्ता, कर्नाटक और तेलंगाना बहुत सारे विषय जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना कांग्रेस पार्टी की, यदि भाजपा शासित राज्य का अपराध है तो अलग प्रकार का अपराध है, और इंडी गठबंधन का अपराध है अलग प्रकार का अपराध है, इसको लेकर हम सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस से जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर घटनाक्रम दुखद है, पर पुलिस की कार्रवाई सख्त है, आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन, 2 आरोपियों की अरेस्टिंग, बाकी जब गिरफ्तार होंगे तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून सख्ती से अपना काम करेगा। संतोष गौतम जी, जर्नलिज्म के छात्रों को सिलेक्टिव परसेप्शन की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन यहां तो पंकज जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के रिएक्शन भी ना ये सिलेक्टिव होते हैं स्टेट को देखकर। अगर बीजेपी रूलिंग त्वरित ट्वीट आ जाता है, त्वरित बाइट आ जाती है, लेकिन अगर किसी और की पार्टी का या फिर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है तो फिर खामोश हो जाती है कांग्रेस। देखिए अपर्णा जी, बेहद दुखद है कि पंकज जी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन उसके बाद भी वो बात को कोलकाता और कर्नाटक तक लेगा और बात पूछी जा रही मध्य प्रदेश पर कि उज्जैन में किस प्रकार से शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, उसका सार्वजनिक वीडियो वायरल हुआ, ये मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ कलंक है। अगर इसको, अगर विषय को अगर बदलने की सोचेंगे या किसी और तरफ ले जाने की सोचेंगे तो मैं समझता हूं यहाँ की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है, और यहाँ की सरकार ये बता नहीं पा रही है कि किस प्रकार से सागर में घटना हुई, हमारी एक बहन की हत्या हुई वहां पर, उसके साथ रेप हुआ, उसके भाई का मर्डर कर दिया गया, उसके चाचा का मर्डर कर दिया गया, उसकी मां को सरेआम नग्न करके वहां पे चलाया गया सागर में, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा मैं कहता हूं कि जो घोषणावीर मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये हम समझते हैं कि पिछले जो घोषणावीर मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी बड़े घोषणावीर दिख रहे हैं। पहले इन्होंने लाडली बहनाओं को 3,000 की राशि को 5,000 करने की बात की और 1,500 तक मिल नहीं पा रहे हैं ठीक से, उसके बाद में अब वो कह रहे हैं कि इतने सख्त कानून बनाए जाएंगे कि अपराधियां थर थर कांपेंगे। अरे भाई, शिवराज सिंह ने पिछली बार भी कहा था कि अपराधियों को यहां 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, ये केवल बातें होती। और जिस प्रकार से सैन्य अधिकारियों के साथ में गई महिला भी सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश के हालात समझे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी चरमरा गई है, माफिया बेखौफ है, और इंदौर जैसे महानगर जहां पर कि नाइट कल्चर लागू किया गया था उसे वापस लेना पड़ा क्योंकि कानून व्यवस्था यहां की पुलिस कमिश्नरी से संभल नहीं रही है। ये सब मध्य प्रदेश सरकार का जितना फेलियर है, अगर इसको स्वीकार करके इस दिशा में आगे बढ़ने की कार्रवाई नहीं की गई और विपक्ष के आरोपों को महज राजनीति करके अगर उड़ा दिया गया तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के हालात और बदतर होंगे। एनसीआरबी की रिपोर्टें बार बार ठप्पे लगा रही है कि मध्य प्रदेश में महिला
महिला अत्याचार की स्थिति क्या है, लेकिन पंकज जी झुठला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ कानून बना इसलिए महिला अत्याचार की स्थिति अन्य स्टेट से बेहतर है। क्या कोई इसे स्वीकार कर सकता है अपर्णा जी? बताइए पंकज जी, जवाब दीजिए शॉर्ट पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस पार्टी के स्वीकारने अस्वीकारने के सिर्फ विषय बनेगा नहीं। मैंने खुद कहा कि ये जो घटनाक्रम चाहे इंदौर का हो या उसके पहले उज्जैन का हो, दोनों बहुत दुखद है, पर दोनों मामलों में सरकार ने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करी, अपराधियों की गिरफ्तारी, और कोई लीपापोती थोड़ी करते हैं इंडी गठबंधन के समान, और न किसी प्रकार के षड्यंत्र किया जाता है कि घटनाक्रम को छुपाया जाए, साक्ष्य को मिटाया जाए, आरोपी को बचाया जाए, संरक्षण दिया जाए सत्ता की ओर से। ऐसे काम थोड़ी करती है बीजेपी की सरकार, जैसा इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। देखिए आप राष्ट्रीय मुद्दों पर मत ले जाइए पंकज जी, डिबेट मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर। मेरा इतना सा आग्रह ये है कि मैं क्या हूँ ये मुझको पता है। गौतम जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन विषय राहुल गांधी क्या मध्य प्रदेश के नेता है? प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है ना, अमेरिका में आतंकवादी के साथ मिल रहे हैं। अमेरिका में बैठकर जो भारत विरोधी आतंकवादियों के साथ मिले, जिनका समर्थन आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय हो गया मसला पंकज जी, बहुत भीड़ हो जाएगी। अपर्णा जी, मैं तो सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ कि वो बात राहुल गांधी बात करें उचित है, मैं बात करूं तो नहीं, नहीं, उसका जवाब है मेरे पास पंकज जी, मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले आप उनके सवाल पर आपका काउंटर ले लिया संतोष जी, अब जल्दी शॉर्ट में आपका आपका रिएक्शन इस पर। देखिए पंकज जी ने इस बात पर आपत्ति ली कि मैंने कहा कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, तो राष्ट्रीय विषयों को क्यों उठा रहा है। मेरा ये कहना है कि आज की जो डिबेट है वो सार गर्भित होना चाहिए, नहीं तो हम तो भूषण शरण सिंह से लेकर प्रज्वल रेपन्ना तक चले जाएंगे, फिर ये बहस बहुत लंबी खींच जाएगी, हम मणिपुर चले जाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, अभी कहीं आगे नहीं बढ़ना है, हर बार इसीलिए पढ़ना जी, इसीलिए पढ़ना जी, मैं चाहता हूं कि पंकज जी ना उधर की बात ना करें, जवाब दें आगे। ओके संतोष जी, ठीक है। रज्जे सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। एमपी का मसला बेहद गंभीर, इंदौर में जो हुआ, मैं इसलिए बहुत दुखी भी हूं मन से, क्योंकि अभी लास्ट फ्राइडे ही हमने चर्चा की उज्जैन को लेकर, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आज थर्सडे है और हम वापस एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। राजनीति से इतर क्या वजह है कि सख्ती सरकार कह रही है, डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं सीएम की ओर से, उसके बावजूद भी खाकी अपना इकबाल नहीं बना रख पा रही है? देखो अपर्णा, वाकई में इंदौर में महू में जो घटना घटी बहुत बेहद शर्मनाक है। एक लड़की को गैंगरेप का शिकार बनाया गया, वो भी बदमाशों के द्वारा, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा शर्मनाक इस डिबेट में हो रहा है, ये एक लड़की के साथ गैंगरेप हो रहा है और हमारे प्रवक्ता बंधु एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जड़ पर नहीं जा रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की क्यों बिगड़ रही है, आखिर पुलिस कहाँ कमजोर पड़ रही है बदमाशों के सामने, क्यों पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है प्रदेश से, रोज घटनाएं घट रही है। आप एक बात देखो, अभी तीन दिन पर चार दिन पहले ग्वालियर में एक वो जितेंद्र सिंह कौन सा कुशवाहा था, वो सट्टेबाजों को संरक्षण दे रहा था, उसको वहां से सीधी ट्रांसफर करके बड़ी सरकार ने वाहवाही लूटी की बहुत बड़ा काम कर दिया, पुलिस वाले को पनिशमेंट कर दिया, सीधी ट्रांसफर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले टीकमगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ विरोध हुआ था। ये घटनाएं क्यों हो रही है इस बात पर आप विचार तो करो, कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, कितने प्रयोग हो गए। मध्य प्रदेश में पहले इंदौर और भोपाल को एक एसपी संभालता था, लेकिन कानून व्यवस्था सख्त रहती थी। यहां एसपी थे संतोष कुमार सिंह, अभी उज्जैन में आईजी हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस वाला रहता था भोपाल के अंदर, आज कहीं दिखता किसी चाक चौराहे पे? शराब दुकानों के अहाते बंद हो गए, लोगों के घरों के सामने लोग शराब पी रहे हैं बेखौफ होके, कहीं आपने पुलिस को देखा कि कोई पुलिस राउंड ले रही है? कहीं नहीं है। ये जो पुलिस और बदमाशों की मिलीभगत हो गई है, इससे पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बिगड़ गया है, एक चीज। दूसरी चीज, हमने कितने प्रयोग करके देख लिए, एसपी के बाद एसएसपी का सिस्टम लाया, वो फेल हो गया, अब हमने पुलिस कमिश्नर सिस्टम ला लिया, तो क्या पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया, सुधर गया, आप बताइए? और जिस बात को लेकर के हमारे दोनों साथी भिड़ रहे हैं, क्या इनको कानून व्यवस्था जैसे एक लड़की के गैंगरेप जैसे मुद्दे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में मजा आ रहा है क्या? राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस का ये लोग बचाव कर रहे हैं जी। ठीक है, आप कौन सी बात है? आप तो प्रश्न में सत्ता पर भी आरोप लगा रहे हैं, मैंने तो अपनी बात की, मैंने संतोष जी शांत हो जाइए एक मिनट, मैंने तो पुलिस पर प्रश्न उठाए हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उस पर तो बात करना बेमानी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व अधिकारी है, रुक जाइए। मैथिली शरण गुप्त सर, मैं आपके पास आ रही हूँ।
कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल, क्या वजह है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खाकी का इकबाल कम होता जा रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप, क्यों ऐसा होता है? कहीं ना कहीं पुलिस को जो इंडिपेंडेंस चाहिए उस इंडिपेंडेंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हम इस तरीके की डिबेट करते हैं इतने संवेदनशील मुद्दे पर, उसको हम राजनीति के आईने में देखना चाहते हैं। मेरा इस बारे में बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमें राजनीति के आईने से बाहर निकलना चाहिए, पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए और पुलिस अकाउंटेबल होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रेप जैसी जघन्य अपराध में लोगों को कानून का ज्ञान भी होना चाहिए। जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि सेक्शन 100 आईपीसी के तहत आम व्यक्ति को मौत कारित करने का तक हक है। क्या हमारे आर्मी के उन अधिकारियों को यदि यह मालूम होता और वहीं पर अपराधी को सूट कर दिया जाता तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती? तो हम पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को एक तरफ से देखें और दूसरा हमारा जो सोच होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम कैसे जो है आम जनता को भी सशक्त करें और किसी भी कीमत पर पुलिस के जो है ना ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, हमें पुलिस डिपेंडेंसी के भी बाहर निकलना चाहिए। तो अकाउंटेबल निडर पुलिस होना चाहिए जो आम आदमी को अच्छी पुलिस दे सके। ठीक है मानवी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया उन सबसे इतर, क्योंकि महिला होने के नाते ये जो इशू है आपके लिए भी उतना ही सेंसिटिव है जितना मेरे लिए, और हम लोग फील कर रहे हैं कि आखिरकार हम खुद को कहीं भी सेफ महसूस नहीं करते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या देखती है? देखिए मैं दो तीन चीजें यहां बोलना चाहती हूँ। महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे अभी ये जो दुर्घटना हुई है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लॉज अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए हैं? इतने सारे हम रेप की घटनाएं देख रहे हैं, ये उसका रेप है, इसका रेप, यही डिस्कशन हो रही है और यही सारे पैनल में डिस्कस कर रहे हैं। ये बात करते हैं कि इन्होंने FIR कर दी। मैं बोलना चाहती हूँ कि उज्जैन में अभी थोड़े दिन पहले ये जो रेप हुआ था जिसमें लोग वीडियो बना रहे थे, आप FIR करते हैं और आप तारीख ले लेते हैं लेकिन उस कंक्लूजन पे नहीं आते, सालों साल कोर्ट कचहरी के धक्के ही खाते रहते हैं विक्टिम, लेकिन वो सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं। और अगर सलाखों के पीछे भी जाते हैं तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, वंस अ थीफ इज ऑलवेज अ थीफ, उसी तरीके से वंस अ रेपिस्ट इज ऑलवेज अ रेपिस्ट। अगर वो 10 साल की उसको आप सजा देते हैं, 15 साल की सजा देते हैं, सजा काट करके वापस आ जाते हैं, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो सही है? वो और किसी भी फीमेल को उस नजरिए से नहीं देखेगा और वो फिर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। लॉज चेंज होने बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2024 के बाद ही इतने सारे केसेस क्यों बढ़ गए हैं रेप के? रेप पहले भी होते थे लेकिन 2024 के बाद आंकड़े देखें और किस तरीके से रेप किया जा रहा है, किस तरीके से पूर्णता के उससे देखिए आप। आप देखो कोलकाता में क्या हुआ, मैं कोई राज्य की बात नहीं करी, कोलकाता में आप देखिए, उज्जैन में आप देखिए, आप मणिपुर में देखिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सिस्टम को चेंज करना की बहुत जरूरत है। आप अगर उसको कंपेयर करते हैं सऊदी अरेबिया कंट्री से, सऊदी अरेबिया में देखिए कोई रेप नहीं होते ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने कमिट तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उनको पता है कि रेप करते हैं तो ठीक है, पहले तो कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी 10 से 15 साल और उसके बाद वो छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉज में चेंजेस आने जरूरी है और आपको एक महिला को इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही उनकी प्रजा होगी। आप महिला को इज्जत देंगे, आप महिला को मान सम्मान देंगे तो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उनको चेंज करना बहुत जरूरी है, उनको जो महिला की तरफ जिस तरीके से वो देखते हैं वो चेंज करना जरूरी है। कभी उठे आए वो दीदी दीदी कह दिया किसी को, कभी आपने खड़े होकर के बोल दिया कि किसी की माँ को आप जस्टी का बोल देते हैं, कभी आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं। तो मुझे लगता है महिला का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां महिला का सम्मान होगा और एक अगर लीडर, एक राजा महिला का सम्मान करेगा तो प्रजा उसको वैसे ही फॉलो करेगी। ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास आ रही हूं अब, क्योंकि यहां से सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए लेकिन उसके बावजूद भी, जिस तरह संतोष जी ने भी गिनवा दिया और धनंजय सर ने भी गिनवाया कि तमाम तब्दीलियां लाई गई कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है। राजधानी भोपाल से भी आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है, तो कहीं ना कहीं तो आप अपने स्तर पर ये आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कर ही रहे होंगे ना कि आखिरकार चूक कहां हो रही है? सरकार तो कह रही है सख्ती करो लेकिन सख्ती दिख क्यों नहीं रही?
देखिए अपर्णा जी, हमारी जो बहन साथ में, उन्होंने जो विषय कहा कि कानून व्यवस्था का उन्होंने बाकी राज्यों का भी उल्लेख किया और बहुत नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, उनको क्या लेना राजनीति से, उन्होंने बाकी सब बातचीत करी और जो उन्होंने कहा वो बड़े विमर्श का विषय है कि जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति, क्योंकि कानून सरकारें अवश्य बनाती हैं अपर्णा जी, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे नई न्याय संहिता बनी है, अंग्रेजों के जमाने का कानून बदला, तो बहुत सारे विमर्श के विषय हैं और निश्चित तौर पर इस प्रकार के घटनाक्रम में सामाजिक विषय और सामाजिक जागरूकता भी उतनी महत्वपूर्ण है। और जिन परिस्थिति की ओर इन्होंने संकेत किया, मैं उस बात से सहमत हूं कि ये घटनाएं यदि ज्यादा बढ़ रही तो उनके उन कारणों की तरफ भी जाना चाहिए। आर्मी ऑफिसर के साथ सेफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता महिलाएं कहीं से सेफ होंगी। वो आर्मी ऑफिसर्स के साथ थी, वो वेल ट्रेन्ड थे। अगर महिला उनके साथ सेफ नहीं है तो आपको लगता है कि महिला किसी के साथ सेफ होगी? हम जिन पर विश्वास कर सकते हैं, जो सरहद में हमारे लिए जान दे देते हैं, उनके साथ महिलाएं सेफ नहीं है? प्रशासन क्या कर रहा था उसको? लॉ एंड ऑर्डर कहां था आप बताइए? अभी मुझसे पहले कह रहा था ना वहाँ पे कि आप नाइट कल्चर आपने वापस ले लिया, फिर नाइट कल्चर वापस आया, तो ये आप कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है, कहीं ना कहीं आपके स्टेट का फेलियर है। अगर आपकी रूलिंग पार्टी जहाँ पे है और वहां पे अगर यहाँ पे क्राइम हो रहा है, वहीं पे अगर आप संभाल नहीं सकते तो आप बाकी राज्य को क्या देखेंगे? क्योंकि अगर कहीं और का क्राइम होता है आप सीधा उंगली उठा देते हैं, आप कोलकाता को उंगली उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने गिरिबानों को तो जा करके देखें कि उसको भी तो सफाया करेंगे। उज्जैन में क्या हुआ? उज्जैन में जब तक वीडियो बाहर नहीं आई, दो महीने तक किसी को पता नहीं लगा, ना गृह मंत्री गए, कोई भी वहां पे नहीं गया। आपके पंकज जी, मैं उत्तर दूं जी। मैं मानवी जी की भावनाएं समझ सकता हूं और निश्चित तौर पे एक महिला होने के नाते जो उनकी पीड़ा, बहुत स्वाभाविक सी बात है और मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, पर मैं इतना सा उनसे आग्रह कर रहा हूं कि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की राजनीति के ना पहले पक्ष में थे ना पक्ष में, और सरकार सख्त भी और संवेदनशील भी है, दोनों पक्ष सरकार के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको जो सरकार का दायित्व तो खाली शक्ति दिखाने का नहीं, संवेदनशीलता का भी है। तो इस विषय में जिसमें विशेषकर दुष्कर्म का विषय होता है, वो निश्चित तौर पर दोनों प्रकार के दायित्व सरकार को कम निर्वहन करते हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पर यह प्रयास किए जाएंगे कि मध्य प्रदेश में, कम से कम हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, और संभवतः कम होती है, लेकिन बैक टू जैसा आपने कहा उज्जैन है, उसके बाद इंदौर का घटनाक्रम है, कुछ मानवीय जी ने भी घटनाएं गिनाई, तो उन पर सरकार जरूर काम करेगी और जिस प्रकार के विमर्श की, कानून की और प्रक्रिया की आवश्यकता होगी उसको परिवर्तन करेंगे, लेकिन सरकार का जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। संतोष जी, सरकार तो यहाँ पर ये कह रही है, वीडी शर्मा का बयान भी आया था आज, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि देखिए कार्रवाई तो हमारे ही राज्य में हो रही है ना, उज्जैन की घटना सामने आते ही कार्रवाई हुई, इंदौर में जैसी घटना सामने आई वैसे ही कार्रवाई हुई, कार्रवाई तो हम लोग कर रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, मुझे इस बात को लेकर बेहद संतुष्टि है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न उठाए गए मानवी जी ने उन बातों का समर्थन किया और लगभग उन्हीं बातों पर उनकी भी चिंता है। मैं आदरणीय धनंजय प्रताप सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्या अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो विपक्ष के नाते हम प्रश्न नहीं उठाएंगे सरकार की कानून व्यवस्था पर? अपर्णा जी मेरी बात सुन लीजिए, मानवी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाने चाहिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगा और अगर नहीं उठाएगा तो आप लोग आएंगे। संतोष जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं मैं, लेकिन जो आपने धनंजय सर को कहा ना उसका जवाब मैं दे देती हूं, वो भी दे पाएंगे आपका जवाब, लेकिन आज 24 घंटे नहीं हुए थे कि राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, 8 और 9 की रात को कोलकाता में घटना हुई, उन्होंने ट्वीट कब किया? 14 तारीख को। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि पक्ष जब तक सत्ता को देखकर बहस करता रहेगा ना, हम महिलाओं की सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा कभी भी। नहीं नहीं देखिए अपर्णा जी, वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम नेशनल इश्यूज पे जाएंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या कहा, तो मणिपुर की चुप्पी पर हम नरेंद्र मोदी से भी प्रश्न पूछेंगे, फिर राजनीति लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, बात यहाँ की घटना की है, बात यहाँ की घटना की हो रही है, इसलिए मैं जानबूझकर मध्य प्रदेश स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ उस मुद्दे को कि मध्य प्रदेश में जब भी ऐसी घटना होगी तो मध्य प्रदेश के प्रवक्ता और यहाँ के नेता सवाल उठाएंगे, सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि इंदौर और भोपाल में, इंदौर में नाइट कल्चर लागू करने के बाद अगर वापस लिया गया, ये सरकार का फेलियर है या नहीं है? या जो सागर में घटना हुई, हमारी बहन की हत्या हुई, उसकी पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, उसकी माँ की नग्न परेड कराई गई, और लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षित गुंडे थे, उन पर भी क्या समान रूप से कार्रवाई हुई थी? ये हमेशा बने रहेंगे। नाइट कल्चर दिया गया, लेकिन अगर आप सेफ्टी मेंटेन नहीं कर पाए तो आपने स्टेप बैक कर लिया, यानी कि लड़कियों को सेफ नहीं रख पाएंगे तो घर के अंदर बंद कर देंगे। देखिए अपर्णा जी, मैंने अभी आपसे कहा इसके पहले जब मैं मानवी जी का उत्तर दे रहा था कि सरकार बहुत सारी चीजों को विमर्श के आधार पर उनका प्रयोग करती है, और यदि लगता है कि यदि ये प्रयोग जनहित में तो वापस करती है, और ऐसा समय काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय सरकार बदलती रहती है।
मैं तो इतना सा आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे मित्र बहुत उपदेश दे रहे हैं, उसका अधिकार है, हम बीजेपी को आपत्ति थोड़ी है ठीक कि है। सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं, पर हम ये पूछ रहे हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना पर मौन क्यों जाते हैं, वहां तो आप ही की देख लीजिए। अमरनाथ जी, मैं यही कह रहा हूं, आप पार्टी पे रहेंगे। नरेंद्र सर, आपका जवाब 30 सेकंड में जी। एक मिनट, एक मिनट लगाइए प्लीज, लड़ने का मुद्दा नहीं है। अमरनाथ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम यहां के शांत हो जाइए, संतोष जी शांत हो जाइए प्लीज जी। नरेंद्र सर, अपनी बात रखिए, आप रखिए सर, आप बोलिए। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी कमजोर पुलिसिंग का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जी जी अपर्णा जी, हमारी कमजोर पुलिसिंग का नतीजा है कि ये मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। गुप्ता जी जिस तरह से पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है पुलिस, ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीख लेना चाहिए। ये जो 6 आरोपी हैं जिनको अभी अरेस्ट किया जाएगा और 5-6 साल तक के सरकारी दामाद बना के रखा जाएगा, अगर बेहतर होता कि 2-4 को ठोक देती तो आगे ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैथिली जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं पुलिस की जो है बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं पुलिस को सख्त होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए और पुलिस का हौसला जो है बुलंद होना चाहिए। अपराधियों के हौसले जो है ना बुलंद नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आर्मी ऑफिसर जो कि ट्रेंड है और उसका अधिकार जो है मौत कार्य तक करने तक है, वहां मतलब अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो सैन्य अधिकारी की साथी है उसके साथ इतना जघन्य अपराध कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अशुभ, अपराधियों के हौसले क्यों बने हुए हैं और खाकी का खौफ अपराधियों के मन में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है, लगातार बनता आ रहा है सवाल, हम पूछते आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है फिलहाल बदलती नजर नहीं आ रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। लगातार एक के बाद एक घटनाएं, आखिरकार कर क्या रहा है पुलिस प्रशासन, क्यों अपना खौफ अपराधियों के मन में नहीं बना पा रहा, ये सवाल बना हुआ है एमपी।